हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग आज सीखेंगे इम्पैक्ट के जो 3.0 का मॉडल है हमारा, उसका पेयरिंग कैसे करते हैं, वो भी RX टू TX। RX का पेयरिंग हम लोग TX में लेने वाले, RX का जो कोडिंग वो TX में आएगा, तो उसकी जो प्रोसेस है वो हम लोग आज आपको बता रहे हैं। भैया मेरा मॉडल है, ओके। फर्स्ट तो आपको उसका बैटरी निकालना है, ऑलरेडी बैटरी निकल गई, बैटरी आपको डालना नहीं है, बैटरी इंसर्ट करना नहीं है, ओके। उसके बाद आपका जो मैग्नेटिक की है, मैग्नेटिक की को आपको रिलीज करना है, मैग्नेटिक की निकाल देनी है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके रिमोट के मॉडल्स में जो आपका MS डाउन और CT का जो ये जो दो बटन्स है, ओके, ये दो बटन्स आपको प्रेस करने हैं, ओके। 4 और 6 नंबर के जो बटन्स है आप देख सकते हैं, MS डाउन CT राइट का ये बटन दबाकर आपको बैटरी इंसर्ट करनी है। अभी मैंने ये दो बटन प्रेस किए, यहाँ पर मैंने बैटरी इंसर्ट की। बैटरी इंसर्ट करने के बाद मेरा रेड LED कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा, ओके। अभी आप देख सकते हैं मैंने बटन छोड़ दिया, मेरा रेड LED कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब मेरा रेडियो रिमोट का जो रिमोट है, ट्रांसमीटर है, वो पेयरिंग में जा चुका है। मैंने अभी पेयरिंग में डाला ट्रांसमीटर को। उसके बाद आपके रिसीवर में आप देखेंगे, रिसीवर में आपके रिसीवर में दो स्विचेस है, एक TX टू RX पेयरिंग वाला, एक RX टू TX पेयरिंग वाला। जो S3 जो है, स्विच नंबर 3 को आपको प्रेस करना है। उसके बाद जो आपका इनकमिंग पावर है, लाइन न्यूट्रल का इनकमिंग पावर आपको कनेक्ट करना है। ये मैंने इनकमिंग पावर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका D9 और D10, D9 आपका रेड ब्लिंक आएगा, उसके बाद आपका D10 कंटिन्यूसली ग्रीन आएगा। उसके बाद आपको मेरे रिमोट में से LT रिवर्स का जो स्विच है, स्विच दबाना है। स्विच प्रेस करने के बाद आपका रिसीवर पे, ऑन रिसीवर पे आपका D10 कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा और D12 आपका ब्लिंकिंग करना चालू कर देगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, LT रिवर्स का स्विच छोड़ देना है और आपका S2 का जो स्विच है ऑन रिसीवर पे, वो स्विच आपको एक बार प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपके रिमोट पे दो बार ग्रीन, दो बार रेड LED ब्लिंक होके स्टॉप हो जाएगा। सेम एज आपके रिसीवर पे D10 और D12 आपका ग्रीन ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको ये करना है, दोनों का पावर रिसेट करना है। इसे मैंने किया, अभी रिसीवर का पावर रिसेट कर दिया, ट्रांसमीटर का मैंने बैटरी निकाल कर बैटरी पावर रिसेट कर दिया, ओके। अभी मैं ट्रांसमीटर का बैटरी इंसर्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने मैग्नेटिक की कनेक्ट की। सेम एज मैं रिसीवर का पावर भी कनेक्ट कर रहा हूँ, हम लोगों ने रिसीवर का पावर कनेक्ट किया। तो इसके बाद आपके, आप अगर देखोगे तो आपका फोन नॉर्मल में जब पावर कनेक्ट करते हो, आपका D9 रेड ब्लिंक रहेगा और D10 आपका ग्रीन ब्लिंकिंग चालू करेगा। इसका मतलब आपका पेयरिंग कंप्लीट है, आपका सिस्टम ऑन वर्किंग है। उसके बाद आपको स्टार्ट कमांड देना है। स्टार्ट कमांड देते ही आपके रिमोट पे नॉर्मली ग्रीन LED ब्लिंक करना करता रहेगा। जब भी आप कोई कमांड देते हो तो रेड इंडिकेशन आता रहेगा। सेम आज अगर आप रिसीवर में देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट कमांड दिया है, एज पर असाइन रिले के हिसाब से आपके रिले वर्क होना शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से आपका पेयरिंग डन हो गया है। थैंक यू वेरी मच।